टीएमसी सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले में विधायक हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा कि जब सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किया जाएगा तो सांसद मजाक ही बनाएंगे, उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग उनसे कह रहे थे कि आप ऐसी बात मत बोलो जिससे जाट और किसान को वोट उन्हें मिल सके। बेनीवाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीजेपी के टूल की तरह काम कर रही है। बेनीवाल ने यह भी कहा कि देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई हैसियत तक नहीं है। वो कुछ नहीं, वो सुनो पॉलिटिकल स्टंट है। न तो कोई जो सांसद जो कर रहे थे उनकी कोई मंशा ऐसी नहीं थी, वो बंगाल के सांसद थे। हाँ, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, ये बात सामने आई थी। उनको राहुल गांधी को ध्यान भी नहीं होगा क्या वीडियो बनाने से क्या नफा है क्या नुकसान है। अगर उनको इतना ध्यान होता तो ये हालात थोड़ी होते कांग्रेस पार्टी के इनके। लेकिन मंशा उनकी ये नहीं थी कि किसी समाज की भावना को ठेस लगे, किसानों की भावना को ठेस लगे। और उपराष्ट्रपति जी इस बात को बिल्कुल ही जाट नेट पे लेकर ये भी गलत है, उनको शोभा नहीं देता। वो संवैधानिक पद पे है और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को अगर वो जाति में बढ़ जाएगा तो फिर संवैधानिक पद किस चीज़ का। वो सिर्फ बीजेपी के लोग उनसे कहलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहला रहे आप इस जाट जाट की बात करो ताकि लोकसभा के जो चुनाव है उसमें बीजेपी को चारों पांचों राज्यों के अंदर वोट मिल सके।